हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। महादेव ही तारकाश का वध कर सकते हैं, परंतु उन्होंने तारकाश की रक्षा का वचन भी दिया है, वरदान भी दिया है। स्वयं रक्षक संहारक कैसे बन सकता है असुरेश्वर? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। साक्षात भोलेनाथ भी तारकाश का वध नहीं कर सकते। अहंकार के अधीन होकर कभी कभी महाज्ञानी और महातपस्वी भी कितने भ्रमित हो जाते हैं। सत्य को ग्रहण करने की शक्ति ही खो देते हैं वे। अब देखिए ना देवी, शुक्राचार्य क्या सोचकर इतना खुश हो रहे हैं। हाँ प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य ये समझ रहे हैं कि आप हमारे पुत्र की मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। वो ये भूल गए हैं प्रभु कि आपका तारकाक्ष को दिया वरदान ही हमारे पुत्र की रक्षा कर रहा है। हाँ देवी, इतनी सी बात इनकी सोच से बाहर हो गई है कि जब तक कार्तिकेय तारकाक्ष के पेट में है वो सुरक्षित है। कार्तिकेय को हानि पहुंचाने से पहले तारकाक्ष के जीवन का अंत आवश्यक है देवी। जो होगा नहीं, क्योंकि तारकाक्ष की रक्षा आप स्वयं कर रहे हैं। गंगे, देखी हमारे तारकाक्ष की शक्ति। तुम्हें अपने जल के प्रभाव पर बड़ा अहंकार था ना? देखा कैसे तुम्हारे जल के प्रभाव को प्रभावहीन कर दिया तारकाक्ष ने। ये देवी गंगा भी क्या कर सकती है, वो जानती है। स्वर्णपुर स्वयं देवाधिदेव शिव शंकर ने तारकाक्ष को दिया है और स्वर्णपुर अभेद्य है। उसका भेदन स्वयं काल भी नहीं कर सकता। ये देवी गंगा के जल की क्या शक्ति है। तारकाक्ष
मेरा बेटा मेरी मृत्यु कार्तिकेय को वश में करके आ रहा है। मैंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। प्रणाम दीदी। भोलेनाथ, मेरा मन कार्तिकेय को लेकर बहुत विचलित हो रहा है। भार्गव शुक्राचार्य और उनके तपोबल से केवल आप ही शिवपुत्र की रक्षा कर सकते हैं। उमा, वैसे तो भार्गव शुक्राचार्य को अपने अंदर धारण करने से वो आप दोनों का पुत्र ही हो गया है, और शिव पुत्र होने से भार्गव को महाकाल से अभय भी प्राप्त है। परंतु इस समय भार्गव को इस बात का ध्यान नहीं है, वो शिव पुत्र को हानि पहुंचा सकता है। आप चिंता क्यों करती हैं देवी? कार्तिकेय को हानि कभी पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आपका जल आवरण बनकर उसकी रक्षा कर रहा है। वो देखिए, बात समझ में आई देवी? जब तारकाक्ष ने कार्तिकेय को अपने श्वास द्वारा अपने पेट में खींच लिया, तब उसके साथ आपका जल भी उसके पेट में चला गया। यही जल कार्तिकेय का सुरक्षा कवच है देवी, इसका भेदन कोई नहीं कर सकता, शुक्राचार्य का तपोबल भी नहीं। नारायण 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 नारायण। ऐसा प्रतीत हो रहा है देवेंद्र, आप सभी देवताओं को असुरों का दास बनना पड़ेगा। या तो आपकी भुजाओं में शक्ति नहीं, मन में मनोबल नहीं, या फिर आपने अपना कर्तव्य पालन करना छोड़ दिया है। ये देखते हुए भी कि तारकाक्ष कार्तिकेय को अपने पेट में धारण किए हुए लिए जा रहा है, और आप सभी देवता लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। क्या सोच रहे हैं? नारायण नारायण, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोग? अरे कौन रक्षा करेगा शिव पुत्र की? वायुदेव, आप तो एक फूंक में सारे ब्रह्मांड को उड़ा देने की क्षमता रखते हैं, परंतु आपने भी इस समय अपने होंठ सी लिए। अग्निदेव, आप एक पल में सबको भस्म कर देने की क्षमता रखते हुए अपनी चुप्पी साध ली। नारायण नारायण। देवेंद्र, आप तो वज्रधारी हैं, संपूर्ण त्रिलोक पर अंकुश लगा सकते हैं, परंतु एक तारकाक्ष ने आपके ऊपर अंकुश लगा दिया। नारायण नारायण नारायण। लाज आ रही है ना? त्यागिए इस लाज को और अपने सोए हुए सामर्थ्य और शक्ति को जगाइए। आप कोई नपुंसक नहीं है, आप लोग देवता हैं, देवता। यदि तारकाक्ष कार्तिकेय को तारकासुर के राजभवन में ले गया तो
आप सब अनाथ हो जाएंगे, अनाथ। क्या समझते हैं आप? तारकासुर कार्तिकेय को देखकर उसकी पूजा करेगा। शिव पुत्र जीवित नहीं रहा तो तारकासुर अमर हो जाएगा, याद है ना वरदान? तारकासुर को शिव पुत्र ही मार सकता है, दूसरा कोई नहीं। यदि शिव पुत्र ही जीवित नहीं रहा तो तारकासुर आप सबको अपने तलवे चटवाएगा, तलवे। और यदि यही भविष्य है आपका तो नारायण। हम किसी के दास नहीं बनेंगे, हम किसी के दास नहीं बनेंगे, हम असुरों का सर्वनाश कर देंगे। आक्रमण! मैया, आप विश्राम कर रही हैं और उधर तारकाक्ष कार्तिकेय को लेकर असुरलोक पहुंच रहा है। मैया, एक बार कार्तिकेय तारकासुर के हाथों में चला गया तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मैया, कोई नहीं कर पाएगा। उसकी रक्षा होगी देवेंद्र। रक्षा होगी? कैसे होगी मैया? कौन करेगा रक्षा मैया, कौन? स्वयं तारकाक्ष। स्वयं तारकाक्ष? देवेंद्र, ये तो आप जानते हैं कि तारकाक्ष को महादेव का वरदान प्राप्त है कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। हाँ मैया। इस वक्त शिवपुत्र कहाँ है? तारकाक्ष के पेट में। तो तारकाक्ष के पेट से शिव पुत्र को निकाला जाएगा, तभी तो उसका वध संभव है ना? और शिव पुत्र को निकालने के लिए क्या करना होगा? तारकाक्ष का वध जो असंभव है तो कार्तिकेय सुरक्षित है। देवताओं, कार्तिकेय सुरक्षित है। धन्य हो मैया, धन्य हो। अब समझ आई प्रभु की लीला। अब आप सब जाओ और अपने मन से सारी शंकाएं दूर कर दो, तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम मैया। बधाई हो पिताश्री, बधाई हो गुरुदेव। मैंने जो कहा था कर दिखाया। मैं शिव पुत्र को हरण करके लाया हूं और आपकी आज्ञा अनुसार उसे आपके पास लेकर आ रहा हूं। शीघ्र आओ तारकाक्ष, हम बड़ी उत्सुकता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुको पुत्र, तुम अकेले मत आओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मुझे क्या उंगली पकड़कर चलने वाला बालक समझ रखा है आपने अभी तक, जो मैं मार्ग भूल जाऊंगा? अथवा आपको मेरे अकेले आने में भय लग रहा है? वत्स, मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं, वो कैसी भी बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। मैं इस सेना के साथ विद्युन्माली और विशालाक्ष को भेज रहा हूं, वे तुम्हें सुरक्षित राजमहल में ले आएंगे। यदि आप यही उचित समझते हैं तो भेज दीजिए मेरे भ्राताओं को। प्रणाम। तुम इतने भयभीत क्यों होते हो तारक? जो तारकाक्ष सुरगंगा में जाकर शिवपुत्र को गंगा से छीन कर ला सकता है, वो क्या अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता? आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, फिर भी सावधान रहने से
कोई बलवान कमजोर नहीं हो जाता। मैं ना तो देवताओं को किसी प्रकार का कोई अवसर देना चाहता हूं, ना गंगा मैया को। एक बार कार्तिकेय मेरे इन हाथों में आ जाए तो समझिए मैं अमर हो गया, अमर हो गया। तुम अवश्य अमर होगे तारक, अवश्य। राजकुमार विद्युन्मारी विशालाक्ष, जी गुरु, जाओ और तारकाक्ष की सहायता करो, जाओ। जो आज्ञा गुरु देव। राजकुमार तारकाश की जय, असुरेश्वर तारकासुर की जय, 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 राजकुमार तारकाश की जय, राजकुमार तारकाश की जय। बधाई हो तारकाक्ष, बधाई हो, तुमने पिताश्री की शुभिच्छा पूरी कर दी। चलो, पिताश्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उमा दीदी, आप? प्रणाम दीदी, क्या देख रही थी? दीदी, तारकाक्ष कितना प्रसन्न है ना? हाँ, वो अपने ध्येय में अपने आप को विजयी समझ रहा है, और राजमहल में बैठे भार्गव शुक्राचार्य और तारकासुर भी कितने खुश दिख रहे हैं। अरे, तारकाक्ष का तो बड़ा स्वागत हो रहा है दीदी, तनिक राजमहल के उस द्वार की ओर तो देखिए। ये उसका स्वागत नहीं हो रहा तो ये उसकी मृत्यु का स्वागत हो रहा है। दीदी, मुझे एक चिंता हो रही है, क्या कार्तिकेय का असुरलोक में पालन पोषण उचित होगा? अनुचित भी नहीं होगा, तुम तो स्वयं शिव शक्ति हो, दुर्गा हो, जानती हो कि बड़े से बड़े शत्रु का वध करना हो तो उसके पेट में घुसकर उसे बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। दीदी, ऐसा वध तो पहली बार होगा, और ये इतिहास द्वापर युग में दोबारा दोहराया जाएगा। अर्थात भूल गई क्या, शिव पुत्र के लिए कामदेव ने बलिदान दिया था, आत्मसमर्पण किया था। और भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग में कामदेव प्रद्युम्न के रूप में यादव कुल में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, परंतु उसका पालन पोषण असुर राज काल शंकर के यहाँ होगा, और प्रद्युम्न ही काल शंकर का काल होगा, और कार्तिकेय तारकासुर का। प्रणाम गुरुदेव। विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। वत्स, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र।
गर्व है। कार्तिकेय को तुमने अपने पेट में धारण किया है। हाँ पिताश्री। अर्थात मेरी मृत्यु तुम्हारे पेट में बंदी है। मेरी मृत्यु बंदी है तुम्हारे पेट में। बंदी है मेरी मृत्यु। गुरुदेव मैं अपने बंदी को देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। अवश्य तारक, अवश्य। ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै। देवी गंगा देख रही हैं आप, जो आप नहीं चाहती थी वो हो गया है। आप मुझे अमर होते नहीं देखना चाहती थी ना। मैं अपनी मृत्यु की मृत्यु बनने जा रहा हूं। आपकी आंखों के सामने देवी, आपकी आंखों के सामने शिव पुत्र का वध करके मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। तारकाक्ष। आज्ञा पिताश्री। कार्तिकेय को अपने पेट से बाहर निकालो। जो आज्ञा। पेट से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बाहर आ रहा है? गुरुदेव ये क्या हो रहा है? कंकरे तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया।